मैथ्स क्लास। तो देखो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी 4.5, और 4.5 के अंदर जो है काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा मुद्दे की बात पर आ जाता हूँ। अगर तुमने पहले के क्वेश्चंस कर लिए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करे तो तुम उनको चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का दे रखा है, ठीक है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस खुद से करने के लिए भी बोले थे, जैसे कि 7, 8, 9 वगैरह, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि तुमसे जरूर हो गए होंगे, और नहीं हुए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मुझे कमेंट में बताना, मैं उनकी भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी हम सीधा क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे, और ये मैं मानकर चल रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 10 तक तुम्हारे पूरी तरीके से कंप्लीट है और तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को कराने का कुछ खास इरादा नहीं है, क्योंकि जो पहले के क्वेश्चंस हमने करे हैं, जैसे कि 7, 8, 9 वगैरह, ठीक है, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं फिर क्यों इसको करा रहा हूं? तो देखो इसको कराने के पीछे बस एक ही वजह है, इसके अंदर है ना कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाई दे रही है, कोस अल्फा और साइन अल्फा। और बच्चों के मन में ना एक बात बैठ जाती है कि यार ये ट्रिग्नोमेट्री आते ही दिमाग घूमने लगता है ना। तो सिर्फ इस प्रेशर को कम करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को करा रहा हूं, बाकी और कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है इसको कराने के पीछे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक पैटर्न वही है, सबसे पहले वही है, कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है, इन वो निकालेंगे, क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट निकालेंगे, सिंगुलर चेक करेंगे और सॉल्व कर देंगे। बस तरीका बिल्कुल सेम है, ठीक है, बस थोड़ी सी सावधानी बरतनी, ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी। तो स्टार्ट करते हैं भाई, दुनिया भर की बातें मैंने बनाई। देखो 100 मैट्रिक्स क्या है भाई? हाँ 100, फिर है 0 cos alpha sin alpha, 0 cos alpha sin alpha, फिर है 0 sin alpha, 0 sin alpha और -cos alpha। वैसे तो तुम लोग एक नंबर के होशियार बच्चे हो, तो तुम लोगों में से कोई कोई ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन को कोई बहुत आसानी से कर लेगा, ठीक है। लेकिन मेरी टेंशन उस बच्चे के लिए नहीं है, मेरी टेंशन है उस बच्चे के लिए जिसको इसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको जरूर करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहला काम होता है हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद ही हम बताएंगे कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, ठीक है। और उसी के बेस पर हम क्या कहते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो निकाल देते हैं डिटर्मिनेंट। और मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी डिटर्मिनेंट निकालते समय, कौन सी बात बताई थी? ये बात बताई थी कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो उस केस में क्या होता है, सिंगुलर, और अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आती है तो उस केस में बिल्कुल भी सिंगुलर नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, और डिटरमिनेंट हम उससे सॉल्व करते हैं जिसके अंदर सबसे ज्यादा 0 होती है। डिटरमिनेंट हम किससे सॉल्व करते हैं? हम उस रो या उस कॉलम से सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हमको सबसे ज्यादा 0 मिलती है। जरा बोर्ड पे देखो, ये तुम्हें पहली रो दिखाई दे रही है, पहली रो के अंदर कितनी 0 है, 1 0 2 0। तुम कहोगे ऐसे तो एक चीज और है, देखो ये वाला कॉलम, इस कॉलम के अंदर भी कितनी है, 2 0, ठीक है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम रो 1 से सॉल्व करो या कॉलम 1 से, आंसर रिमेन्स सेम, ठीक है। खैर मैं किससे सॉल्व कर रहा हूं, R1 से, लिखने की जरूरत नहीं है कि मैं R1 से कर रहा हूं, सीधा सॉल्व कर देते हैं। तो देखो R1 में पहला एलिमेंट है 1, ये 1 किसमें आ रहा है, पहली रो में और पहले कॉलम में आता है ना, सॉल्व करना मैंने सिखाया तुम लोगों को। तो क्या क्या बच गया, ये बच गया cos alpha sin alpha sin alpha, ये लो -cos alpha, ये बच गया था, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, ये आ गया। अब मैं सॉल्व करूंगा, तुम्हें मालूम है साइन भी देखना होता है, तो पहले एलिमेंट पर तो प्लस का ही साइन आता है। देखो कोस की कोस से करी क्रॉस कर देते हैं, याद है सलमान खान मेथड, ऐसे कोस की कोस से करेंगे तो cos square alpha, लेकिन माइनस का है ना, और साइन की साइन से करेंगे तो माइनस का sin square alpha, बहुत ही बढ़िया। अब तुम्हें मालूम है दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन आ रहा है, और माइनस कॉमन आ रहा है तो जरूर लेंगे। अच्छा माइनस कॉमन ले लिया, cos square alpha plus sin square alpha, ये तुम्हें मालूम है फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में तुमने शायद पढ़ा होगा, अगर तुम मेरी तरह होशियार बच्चे हो तो तुमने ये चीज जरूर पढ़ी होगी।
कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। क्यों? क्योंकि बाहर का माइनस तो आएगा ना, तो बाहर का माइनस जरूर आएगा। अब मुझे बताओ क्या ये जीरो आया है? नहीं, ये तो नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। ये क्या आ गया? ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। और मैंने बताया था जब वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होती है तो उस केस में नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। तो लिखो देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर ये नॉन सिंगुलर है तो लिखो हैंस ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम जरूर फाइंड आउट करेंगे। और तुम्हें मालूम है इनवर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एडजॉइंट। क्या निकालना पड़ता है? याद करो मेरे साथ स्टेप्स। इनवर्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी चीज होती है भाई? एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट हमें निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? एडजॉइंट निकालना पड़ता है ना, एडजॉइंट निकालना पड़ता है। और एडजॉइंट के लिए जरूरी होता है कोफैक्टर। ठीक है, एडजॉइंट के लिए क्या जरूरी होता है? कोफैक्टर निकालना। तो हम कोफैक्टर कैलकुलेट करेंगे पहले, है ना। तो देखो उसके लिए मुझे चाहिए जगह, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं। उम्मीद करता हूं तुम लोगों ने कॉपी जरूर करा होगा, वैसे भी आजकल के बच्चे कॉपी करने में बड़े माहिर होते हैं। चलो ज्यादा बातें ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कोफैक्टर। तो मैं पहले फ्रेम बना लेता हूं C11, C12। देखो थोड़ी सी और जगह चाहिएगी इसमें, तो ऐसे लिख लेता हूं C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, है ना। जल्दी से इक्वल टू लगा देते हैं। ऐसा लगता है ये तो फालतू का काम है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है भाई, तभी मार्क्स मिलेंगे। बिना करे किसको मिलते हैं, है ना, बिना करे किसी को नहीं मिलते, है ना। देखो C11 पहली रो पहला कॉलम, तुम लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैं एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। देखो 11 का मतलब क्या है? पहली रो पहला कॉलम। तो क्या क्या बच गया? ये बच गया कोस अल्फा, साइन अल्फा, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। अब इधर देखो पहली रो दूसरा कॉलम, देखो पहली रो दूसरा कॉलम, ध्यान से देखो पहली रो दूसरा कॉलम, क्या क्या बच गया? जीरो साइन अल्फा, जीरो कोस अल्फा, जीरो साइन अल्फा, जीरो कोस अल्फा। समझ में आ रहा है ना? तुम लोग सोच रहे होंगे मैं छोटे छोटे डिटरमिनेंट क्यों बना रहा हूं, मैं तुम लोगों को एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा। अब इधर देखो 13 पहली रो तीसरा कॉलम, तो देखो पहली रो और तीसरा कॉलम क्या क्या बच गया? जीरो कोस अल्फा, जीरो साइन अल्फा। लिख दूं? लिख ही देता हूं, तुमसे क्या पूछना, जीरो कोस अल्फा। अब तुम कहोगे क्या हमें भी ऐसे एक एक स्टेप लिखकर दिखाना चाहिए टेस्ट में और पेपर में? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं। तुम को फैक्टर के अंदर सीधा सॉल्व करके भी लिख सकते हो, लेकिन अगर एक स्टेप लिख दोगे ना तो तुम्हारे गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि भाई जब तुमने प्रॉपर एक एक स्टेप लिखा है तो गलत होने के चांसेस है ही नहीं। अब देखो 21 दूसरी रो पहला कॉलम, तो देखो अब मैं एक एक स्टेप नहीं दिखा रहा, अब मैं तुम्हें सीधा समझाऊंगा। देखो दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम कोस की साइन जीरो से करी, साइन की जीरो से करी तो जीरो आएगा, है ना। अब 22 पर देखना, दूसरी रो बोर्ड पे देखो, दूसरी रो दूसरा कॉलम क्या क्या बच गया? माइनस कोस अल्फा की 1 से और जीरो की जीरो से, तो माइनस कोस अल्फा। उम्मीद करता हूं ये जो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, है ना। वैसे मैं एक एक स्टेप करके भी दिखा सकता हूं, लेकिन 12th क्लास के स्टैंडर्ड में बच्चों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी जरूर होनी चाहिए कि वो इस तरह से सॉल्यूशन भी कर पाए और समझ पाए। हाँ 23 दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो साइन की 1 से करेंगे तो अब आएगा साइन अल्फा। तुम्हें याद है ना कोफैक्टर के साइन भी बदले जाते हैं, प्लस होता है तो माइनस करते हैं, माइनस होता है तो प्लस करते हैं, लेकिन कब? मैं तो एंड में करता हूं हर बार, अभी नहीं बदल रहा साइन। अब इधर देखो 31 तीसरी रो पहला कॉलम जीरो।
अच्छा इस क्वेश्चन के अंदर ये जो मैं करा रहा हूं ना, सिर्फ यही वजह है कराने की कि यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू आ रही है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को देखते ही बच्चे वैसे ही परेशान हो जाते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए 12th क्लास में। क्योंकि अगर तुम 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री से बचने की कोशिश करोगे तो बहुत ही गलत सोच है। बिना ट्रिग्नोमेट्री के तुम 12th क्लास में कुछ भी नहीं कर सकते। कदम कदम पर तुम्हें क्या फेस करनी पड़ेगी? ट्रिग्नोमेट्री। अगर तुम पहली बुक में बच गए ट्रिग्नोमेट्री से, तो तुम सेकंड बुक में नहीं बच पाओगे, है ना? जैसा कि तुम्हें मालूम है, चैप्टर 5 से हमारा कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है। पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये सारा का सारा कैलकुलस है। और अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग सोचो तो 30 से लेकर 35 नंबर का कैलकुलस है। पहले तो 100 मार्क्स का पेपर होता था तो 45 मार्क्स का कैलकुलस होता था, अब तो 80 मार्क्स का पेपर है, लेकिन अब भी कम से कम 30 से 35 नंबर का कैलकुलस है, और सारा कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री से ही चलता है। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि ट्रिग्नोमेट्री से बच जाओगे, तो तुम 30 नंबर को भूल जाना अपने पेपर में, ठीक है? मतलब कि नहीं हो पाएगा, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री से बचने की कोशिश मत करो। इसके साथ बिल्कुल दोस्ती कर लो, दोस्ती निभाएगा ये, तुम निभाने वाले होने चाहिए बस। खैर, 3, 2, तीसरी रो दूसरा कॉलम तो साइन की वन से करी साइन अल्फा। तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम कोस अल्फा की करी वन से कोस अल्फा। अब देखो, मैंने नीचे वाले तो हाथों हाथ सॉल्व कर दिए थे, ऊपर वाले रह गए, बस इनको मैं सॉल्व कर देता हूं बोर्ड पे। देखो कोस की कोस से करी, देखो अगर तुम्हें याद हो तो मैंने ऐसा सॉल्यूशन अभी करा था पहले, कोस अल्फा की कोस अल्फा से करी थी तो माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन की साइन से करी थी तो माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, फिर मैंने माइनस कॉमन लिया था तो माइनस वन बन गया था। तो तुम लोगों को दिक्कत ना हो तो मैं यहां पर ये लिख रहा हूं माइनस वन, है ना भाई? वो ऊपर वाला स्टेप वीडियो में विजिबल है ना? बिल्कुल परफेक्टली विजिबल है, और क्या चाहिए जिंदगी में। अब इधर देख लो, इस किससे करेंगे, इस किससे करेंगे, ये जीरो आएगा। देखो इस किससे करेंगे जीरो, और इस किससे करेंगे जीरो, तो ये भी जीरो आएगा। अब साइन चेंज कर देता हूं फटाफट। देखो कैसे साइन चेंज करते हैं, एक छोड़कर एक। इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, इसका करेंगे, जीरो में मत करो। इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे, जीरो में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, इसका करेंगे, ये लो कर दिया। इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, इसका करेंगे, ये लो कर दिया। इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, मतलब कि क्या हुआ, एक का साइन चेंज करते हैं, एक का नहीं करते हैं, एक का करते हैं, एक का नहीं करते हैं, ऐसे, ठीक है? पहले वाले को छोड़ दिया करो दूसरे का साइन चेंज, तीसरे वाले को छोड़ दिया करो चौथे का साइन चेंज, पांचवे वाले को छोड़ दिया करो इस तरीके से छठे वाले का साइन चेंज। अच्छा, मैंने जीरो में साइन चेंज क्यों नहीं करे, करने की जरूरत पड़ रही थी ना, यहां पर करने की जरूरत पड़ी थी मुझे, यहां पर करने की जरूरत पड़ी थी, मैंने साइन चेंज क्यों नहीं करे थे? क्योंकि जीरो में क्या माइनस और क्या प्लस, है ना? इसलिए चेंज नहीं करे। खैर, अब मैं फटाफट से एडजॉइंट बना लेता हूं। याद है तुम्हें एडजॉइंट, या भूल गए? एडजॉइंट का क्या मतलब होता है? कोफैक्टर का ट्रांसपोज। एडजॉइंट का क्या मतलब होता है? एडजॉइंट का मतलब होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मतलब हमें कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है। देखो माइनस वन जीरो जीरो ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे करूंगा। अभी तक देखो जीरो माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे करूंगा। समझ में आ रहा है ना? मैंने जल्दबाजी में कोफैक्टर लिख दिए, ठीक है? और बहुत ही बढ़िया है, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं, जीरो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे ऐसे करूंगा। ये लो, ये आ गया एडजॉइंट। बच्चे क्या करते हैं, पहले ना कोफैक्टर से एडजॉइंट बनाने के लिए पहले कोफैक्टर लिखते हैं, बाद में उसका ट्रांसपोज करते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं तो कोफैक्टर ऊपर वाले को देखता हूं और नीचे हाथों हाथ करके क्या लिख देता हूं, ट्रांसपोज। इस क्वेश्चन में जितना टाइम बचाना है ना, एक आध मिनट का बचा लो, वरना 4.6 के अंदर ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी बन जाता है, इसलिए यहीं पर ही टाइम बचा लिया करो। और कुछ मूर्ख बच्चे तो ऐसे हैं जो पहले माइनर निकालने के चक्कर में पड़ जाते हैं। माइनर का करना ही क्या है, माइनर खाने का निकालोगे, मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे नहीं, टाइम और खर्च हो जाएगा, है ना?
इसलिए मत निकालो, सीधा क्या निकालो कोफैक्टर। अच्छा इनवर्स का फॉर्मूला मैं तुम लोगों के लिए लिख देता हूं, वन अपॉन में डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। अब देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बता दो भाई। अब मुझे मालूम है तुम लोग बड़े चालू हो, मुझे बताओगे नहीं, और तुम्हें मालूम है कि मैं भी बहुत चालू हूं, मुझे याद है वैल्यू क्या आई थी, माइनस वन आई थी। तो वन अपॉन में माइनस वन, और अब ये एडजॉइंट ये लिखा हुआ नीचे एडजॉइंट, माइनस वन जीरो जीरो जीरो, माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा जीरो, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये था ना, था क्या ये लिखा हुआ नीचे, है ना। अब देखो अब ये जो बाहर माइनस दिख रहा है, ये जो बाहर माइनस दिख रहा है, बताओ वन अपॉन में माइनस वन तो माइनस वन ही होएगा, वन के अपॉन में क्या लगा हुआ है माइनस वन, तो माइनस वन ही होएगा। अब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर दे देता हूं, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर दे देता हूं, जैसे मैं माइनस की मल्टीप्लाई अंदर दूंगा तो अंदर क्या हो जाएगा, जब ध्यान से सुनना, जब भी हम किसी के साथ माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब भी हम किसी के साथ क्या करते हैं माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, अंदर के साइन क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अंदर के साइन बदल देंगे और क्या करेंगे, तो देखो सारे साइन बदल दो, जो माइनस है वो प्लस, जीरो का तो खैर कुछ नहीं होने वाला, जो माइनस है वो प्लस, ये भी माइनस से क्या हो गया प्लस, और जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस, बहुत ही अच्छी बात है। ये आ गया हमारा इनवर्स। तो इसको सोल्व कराने के पीछे बस मेरा एक ही इरादा था, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म थी, बाकी और कोई रीजन नहीं था। तुम देख सकते हो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नया नहीं सिखाया, कुछ भी नया नहीं सिखाया, ठीक है। हाँ अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूं तुम्हें यह क्वेश्चन भी बाकी क्वेश्चंस की तरह बहुत आसान लगा होगा। रही बात थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बीच में एक दो स्टेप डायरेक्ट कर दिए थे कोफैक्टर वाले, है ना, तो मैं समझता हूं कि तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वो तो तुम्हारे बेसिक कैलकुलेशन है, और वो हमने 4.1 वगैरह में 2 में काफी अच्छे से सीखा है उस काम को, है ना। खैर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 परफेक्ट। तो देखो इसके अंदर हमें दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, और वेरीफाई करना है इस क्वेश्चन को ना, सबसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस में से एक माना जाता है, सबसे ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, लेकिन लेंथी बहुत है, कोई बात नहीं हम नहीं डरते। मैंने पहले बता रखा है कि हम भूत और भगवान इन दो लोगों को छोड़कर बाकी किसी से नहीं डरते। तो 6, 8, 7, 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा और प्रूफ क्या करवाया है, ये जो वेरीफाई करने के लिए बोला है, वेरीफाई मतलब हमसे प्रूफ करवा रहा है, क्या वेरीफाई करवा रहा है, देखो क्या वेरीफाई करवा रहा है, वो ये कह रहा है कि पहले ना ए बी बनाओ, ए बी पहले क्या बनाओ, ए बी बनाओ, और फिर उस ए बी का क्या निकालो, उस ए बी का इनवर्स निकालो। मतलब एक तो पहले हम क्या बनाएंगे, ए बी बनाएंगे, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ, समझ में आ रही है बात। देखो पहले वो क्या कह रहा है, ए बी बनाओ, और फिर क्या कह रहा है, उस ए बी का ना क्या निकालो, इनवर्स निकालो। कोई बात नहीं, तो दो काम हो गए ना, पहला मेरा क्या काम है कि ए की मल्टीप्लाई करूंगा बी के साथ, और बाद में जब वो मैट्रिक्स बन जाएगी उस मैट्रिक्स के बाद उसका क्या निकालूंगा, इनवर्स निकालूंगा, उसके बाद क्या निकालूंगा, उसका इनवर्स निकालूंगा। ये तो निकल कर आएगी लेफ्ट हैंड साइड, तुम देख सकते हो ये कौन सी साइड है, ये है अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड, तो तब तो ये निकल कर आएगी, अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो आधा काम हुआ है। अब उधर देखो, अब उधर वो क्या कह रहा है, उधर वो कह रहा है पहले बी का इनवर्स निकालो, पहले बी का इनवर्स निकालो, फिर उसने कहा अभी रुको मत, आराम मत करो, अब ए का निकालो, हमने कहा ठीक है चलो इसका भी निकाल देंगे, फिर कह रहा है अभी भी आराम मत करो, अब क्या करो, अब उन दोनों इनवर्स की ना आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। हमने कहा चलो ये भी कर दी, वो कह रहा अभी भी मत रुको, अब चेक करो,
क्या ये वाली साइड उस वाली साइड के बराबर आई है या नहीं आई है? हमारी बराबर आ गई है, अब आराम कर लो। समझ में आ गया होगा क्या क्या करना है। अब तुम समझ गए होंगे मैंने इस क्वेश्चन को इतना लेंथी क्यों बताया था। देखो कितने सारे काम हो गए। पहले प्रोडक्ट तैयार करना है, फिर उस प्रोडक्ट का इनवर्स निकालना है। यहां पर देखो पहले एक इनवर्स निकालना है, फिर दूसरा इनवर्स निकालना है, फिर दोनों इनवर्स की आपस में क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कितनी बार इनवर्स निकालने पड़ेंगे? तीन बार। इस क्वेश्चन के अंदर हमें कितनी बार इनवर्स निकालने पड़ेंगे? तीन बार। पहले ए का इनवर्स, फिर बी का इनवर्स और फिर ए बी का इनवर्स। कितनी दिक्कत वाली बात है ना। तो लेंथ ही बहुत है। तुम लोग मेरे ऊपर थोड़ा सा उपकार कर देना। उपकार क्या करना है, मैं तुम लोगों को ए और बी का मल्टीप्लाई करवा दूंगा और ए और बी का इनवर्स भी निकलवा दूंगा। तुम्हें क्या करना है, तुम घर पर तसल्ली से पहले बी का इनवर्स निकाल लेना, फिर ए का इनवर्स निकाल लेना और दोनों की मल्टीप्लाई कर देना। इसका मतलब ये हुआ आधा काम मैं कर देता हूं इस क्वेश्चन में और आधा काम तुम कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर मेरा मन करेगा तो मैं अभी पूरा करवा दूंगा। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम दे रहे हैं इस क्वेश्चन को, है ना। तो चलो अब क्वेश्चन को करने का तरीका तो समझ में आ गया, स्टार्ट करते हैं भगवान का नाम लेकर। तो देखो सबसे पहले ना मैं काम करूंगा, लिखो लेफ्ट हैंड साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये वाली साइड में सॉल्व करने वाला हूं, और इस वाली साइड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। तो चलो ए बी बनाएंगे, तो लिखो ए बी। अच्छा ए ये है, बी वो रहा। ये अच्छा है कि इन्होंने 2x2 की दी है भाई, है ना। ये इनका एहसान नहीं है हमारे ऊपर कि इन्होंने हमको 2x2 की मैट्रिक्स दी है। अगर 3x3 की देते तो हम क्या उखाड़ लेते इनका, करना पड़ता हमको, है ना। तो अच्छी बात है कि इन्होंने 2x2 की दी है ना। चलो खैर पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई करना चैप्टर 3 में मैंने तुम्हें सिखाया था और तुम्हें आना भी चाहिए, तभी तो तुम चैप्टर 4 कर रहे हो। देखो मैंने तुम्हें बताया था 7 बनाना होता है, 7 मालूम है ना कैसा होता है, 7 ऐसा होता है 7। देखो 7 बना दो, 3 की 6 के साथ 18, 7 की 7 के साथ 49। भाई 3 की 6 के साथ 18 और 7 की 7 के साथ क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी, और क्या हो जाएगी। अब नीचे वाले के साथ बनाना है, देखो अब ये 7 किसके साथ बनाना है, नीचे वाले के साथ। तो 2 की 6 से 12 और 5 की 7 से 35। अब अगला 7 अगले कॉलम के साथ बनाना है। बोर्ड पे देखो ये चीज, देखो जिसको जिस तरीके से आता है मल्टीप्लाई करना वो अपना उसी तरीके से ध्यान रखें, और जिसको नहीं आता है वो मेरी पुरानी वीडियो देख ले मल्टीप्लाई करने की, और जिसको अभी समझना है अभी भी मैं हल्का हल्का समझा रहा हूं, अभी भी मैं बहुत हल्का हल्का समझा रहा हूं क्योंकि मैंने ये काम पहले ही बता रखा है तुम्हें चैप्टर 3 के अंदर, इसलिए हम दोबारा टाइम क्यों वेस्ट करें, हम कोई पागल थोड़ी ना है, है ना। अब देखो 3 की 8 से करी तो 24 और 7 की 9 से करी 63, 2 की 8 से करी 16 और 5 की 9 से करी 5 9 45। भाई प्रोडक्ट बनाना तो तुम्हें आना ही चाहिए। हाँ 18 और 49, भाई बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन आ गई है, हमारे बस की तो है नहीं। देखो हमारे पास तो अच्छा कहां सा कैलकुलेटर है, हम अपना कैलकुलेटर चमकाएंगे। 67 क्योंकि टेस्ट मेरा नहीं है, टेस्ट तुम्हारा है, पेपर मेरा नहीं है, पेपर तुम्हारा है। मैं तो तुम्हें तरीका बता सकता हूं, मैं कोई अपनी कैलकुलेशन थोड़ी ना चेक करूंगा, कैलकुलेशन तो तुम्हें करनी चाहिए भाई। ये आ गया 87, बहुत ही अच्छी बात है। 12 और 35 ये आ गया 47, दुनिया का सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन मुझको ये लग रहा है। 61 ये आ गया, मुझे बताओ ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट। देखो इस क्वेश्चन में कुछ गलती ना हो जाए, एक काम करता हूं मैं एक स्टेप चेक कर लेता हूं, पता चले सारी मेहनत करी और सारी मेहनत एंड में पानी में मिल गई। बिल्कुल ठीक, हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल सही आया है। पता है मैट्रिक्स के क्वेश्चन की यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वैसे तो बहुत आसान चैप्टर होता है और सच में आसान होता है और लगता भी है बच्चों को आसान, लेकिन इसमें क्या होता है अगर हमारी जल्दबाजी में कोई एक एलिमेंट गलत हो जाता है ना, तो उस एलिमेंट की वजह से पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, कट जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक तो टाइम वेस्ट हो गया हमारा, ऊपर से मार्क्स भी नहीं मिले, है ना। तो देखो
मेरे को ना कुछ चीजें रब करनी पड़ेंगी क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या फिर मैं पहले एक काम करता हूं, पहले मैं नीचे वाला स्पेस इस्तेमाल कर लेता हूं, है ना। देखो अब हमारे पास ए बी तो निकल आया, ये आ गया ए बी, मैं इधर वो लिख लेता हूं एक बार, 67, 87, 47, 61, बताओ 7 ही 7 आ रहा है ना, 67, 87, 47, बस ये एक निराला है 61, ठीक है, खैर कोई बात नहीं इसकी मर्जी। अब हमें क्या निकालना, देखो वट पे पहले ए बी निकालना था, अब उस ए बी का क्या निकालना था, इनवर्स। अब हम उसका क्या निकालेंगे, इनवर्स। और तुम्हें मालूम है इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं, सबसे पहले उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उसका क्या सॉल्व करते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, और बाद में एडजॉइंट बनाते हैं, और तब जाकर निकलता है इनवर्स। तो शुरू करते हैं, ये लो मैंने ये रब कर दिया, मतलब क्वेश्चन में तो खैर कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो इजी है लेकिन लेंथ ही बहुत है ना, तो कोई बात नहीं कर लेते हैं, मेहनत है, मतलब हार्डनेस नहीं है, मेहनत है हल्की फुल्की। अब देखो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेता हूं इसका, ये लो ए बी का डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूं, याद है ना क्रॉस मेथड 67 की 61 से, ये लो फिर से मुझे कैलकुलेटर उठाना पड़ेगा भाई, 67 की करनी है 61 से, 4087, ऐसा लग रहा है अकाउंट सॉल्व कर रहे हैं, और 87 की अब करनी है मल्टीप्लाई 47 से, ये आएगा 4089, 4089। तो देखो 4087 में से 4089 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। देखो नॉन सिंगुलर तो आनी ही चाहिए तभी तो इनवर्स निकलेगा, अगर ये सिंगुलर आ गई मतलब अगर इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया तो उस केस में तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करने वाला, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए इसका नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है, और नॉन जीरो ये आया है, तो लिख देना देयरफॉर, सीधा लिख देना इनवर्स एग्जिस्ट। अब तुम्हें इतना सजाने की जरूरत नहीं है कि नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं, इतनी सारी बातें मत लिखो, सीधा लिख दो इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन ये है अब, है ना। अब हम इनवर्स निकालेंगे, और इनवर्स के लिए तुम्हें मालूम है क्या करना होता है, एडजॉइंट। तो C11, C12, C21 और C22, याद है 2x2 में इनवर्स कैसे निकलता है, उल्टा जेड, देखो वट पे उल्टा जेड, 2x2 की मैट्रिक्स में इनवर्स कैसे निकलते हैं, 2x2 की मैट्रिक्स में उल्टा जेड बता देता है हमें, देखो 1 2 3 4 उल्टा जेड चलाना है, तो कोफैक्टर के लिए उल्टा जेड देख लो। देखो जल्दबाजी में मैंने मैट्रिक्स ही गायब कर दी, जो ए बी बना रखा था ना वो ए बी मैंने रब कर दिया, तो तुम लोगों की सुविधा के लिए मैं उस ए बी को ना यहां पर लिख देता हूं, यहां पर। अब तुम कहोगे मैंने तो रब कर दिया, कोई बात नहीं, यहां पर से मैं देख लेता हूं ए बी की वैल्यू हमने बनाई थी, बनी बनाई है, और वो तो इतनी आसान वैल्यू थी, याद है क्या थे, 67, 87, 47, ये लो मुझे तो याद भी हो गई 61 ये थी ना। अब उल्टा जेड बनाकर इसके कोफैक्टर बन जाएंगे, उल्टा जेड बनाकर क्या बन जाएंगे इसके कोफैक्टर, देखो मैं तुम्हें सिखा देता हूं, उल्टा जेड ये बन गया उल्टा जेड, तो 61, 47, 87, 67, देखो 61, 47, 87, 67, समझ में आई बात। अब साइन चेंज करने, कैसे करते हैं साइन चेंज, ऐसे करते हैं साइन चेंज, इसका साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर दो, समझ में आ गई ना बात, 2x2 में याद है ना साइन कैसे चेंज करते हैं, इन दो का साइन चेंज कर देते हैं बस, इन दो का कभी भी नहीं होता, तो माइनस कर दिया, अगर प्लस होता तो माइनस कर देता हूं, माइनस होता है तो प्लस कर देता हूं, तो साइन चेंज तो कर दिया। अब एडजॉइंट बना लेते हैं, अब क्या बनाएंगे एडजॉइंट, ये देखो याद है एडजॉइंट कैसे बनाते हैं, मैं ए बी का एडजॉइंट बनाने वाला हूं, एडजॉइंट किसका बनाने वाला हूं, ए बी का। देखो पहले ए का एडजॉइंट बनाते थे तो क्या लिखते थे, ए का एडजॉइंट, और जब ए बी का एडजॉइंट बना रहे हैं तो ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए बी, समझ में आ रही है ना बात, क्या होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, क्या होता है ट्रांसपोज। तो देखो 61, 47 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे कर दो 61, 47, 87, 67 ऐसे लिखा हुआ है,
ऐसे कर दो, ये लो जी एक जॉइंट भी आ गया, भगवान का साथ बना रहे और इसी तरह से एक जॉइंट आता रहे। ठीक है, अब मैं हाथ वाथ क्या निकाल लेता हूं, इनवर्स निकाल लेता हूं, फिर मेरी लेफ्ट हैंड साइड पूरी आ जाएगी। याद है ना हमें क्या निकालना है, हमको तो ये निकालना है, ये चीज देखो हमको तो ये निकालना है। अब इनवर्स बाकी है बस, देखो व्हाट पे फॉर्मूला ए बी इनवर्स का क्या बनेगा, इनवर्स का फॉर्मूला जिसका निकालते हैं उसका डिटरमिनेंट नीचे और उसका एडजॉइंट यहां पर, याद है ऐसे तो निकालते हैं, जिसका निकालते हैं उसका डिटरमिनेंट नीचे और उसका एडजॉइंट यहां पर, तो कर देते हैं। देखो ए बी का डिटरमिनेंट ये रहा 1/(-2) में -2 और एडजॉइंट एडजॉइंट ये रहा नीचे पड़ा हुआ है, डर लग रहा है क्या, ये रहा नीचे दिख तो रहा है, तो 61 -87, 47 और 67। अब मुझे बताओ जब तुम -2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे मतलब डिवाइड दोगे तो अंदर सारी चीजें डिवाइड हो जाएंगी ना, अंदर सारी की सारी चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी, तो कर देते हैं डिवाइड, कर जरूर दिया करो। देखो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 61/(-2) माइनस का, इधर करोगे तो 87/(2) और माइनस माइनस कट जाएगा, यहां पर भी कट जाएगा 47/(2)। देखो सिर्फ माइनस से माइनस कटा है, 2 नहीं कटा, क्यों नहीं कटा 2, क्योंकि 2 से कुछ कटने लायक है ही नहीं, और 2 से ये भी कर दो तो 67/2 वो भी माइनस का। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, बिल्कुल परफेक्ट हमारी लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल एक्यूरेट आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो थोड़ी सी बस मेहनत करनी पड़ी, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई हमें, हमें जरा सी भी परेशानी का सामना करना ही नहीं पड़ा, हमने तो मजे मजे में ये क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, अब उधर देखना है, एक बार बी का इनवर्स निकालूंगा, एक बार ए का इनवर्स, फिर दोनों की मल्टीप्लाई करवा दूंगा। चलो मेरा मन कर रहा है इस क्वेश्चन को पूरे ही करवाने का, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना आधा मैं करूंगा आधा तुम करना, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है इस क्वेश्चन को पूरे ही करवा दूं, क्योंकि आधा अधूरा है ना, मजा सा नहीं आता। तो एक काम करते हैं, ये वाली साइड तो हमने सॉल्व कर ही ली है ना, ये वाली साइड तो हमने सॉल्व कर ही ली थी। अच्छा ये जो अभी हमने साइड सॉल्व करी है ना, ये जो एंड में आया था इनवर्स, उसके आगे ना डैश डैश लगाकर इक्वेशन नंबर 1 बना देना, उसकी जरूरत पड़ेगी हमें बाद में, है ना। अभी वहां पर क्या कर देना, मेरे ध्यान नहीं रहा, डैश डैश लगाकर इक्वेशन नंबर 1 कर देना उसको। ठीक है, मतलब वो हमारी पहली इक्वेशन बन गई, वो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हम आगे का सॉल्व करेंगे, देखो जरा कैसे। पहले हमें निकालना है बी इनवर्स, तो लिखो बी इनवर्स के लिए। अच्छा किसी का भी इनवर्स निकालना होता है तो पहले क्या चेक करते हैं, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे बी का डिटरमिनेंट, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं दोनों का सॉल्यूशन एक साथ कर दूं, मैं तो कर सकता हूं, बस तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो जरा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तुम्हें सेपरेट दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही मिक्स कर दूंगा। मैं यहां पर बी का इनवर्स निकाल रहा हूं, मैं वहां पर ए का इनवर्स निकाल रहा हूं, लिख देता हूं यहां पर, लिख देता हूं 4b इनवर्स, है ना, और यहां पर काम कर रहे हैं हम 4a इनवर्स, है ना। एक एक करके करूंगा, देखो पहले बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे, आता है ना 5, सॉरी बी तो वो है 9 की 6 से कितना होता है, 6 9 कितने होते हैं भाई, 6 9 53, नहीं 54, 54 - 7 की 8 से 56, तो ये क्या बनेगा, 54 में से 56 गए माइनस के 2। अब इधर ए का इनवर्स निकालना है तो ए का डिटरमिनेंट, इसलिए मैं कह रहा था साइड साइड दोनों साइड स्टेप हो जाएंगे और क्वेश्चन को करने में टाइम भी हमारा क्या लगेगा, सीधी सी बात है कम लगेगा, है ना। तो इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान रखे करो, दिमाग का खेल होता है बस, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम सोच रहे होंगे मैं नीचे क्या देख रहा हूं, मैं जल्दबाजी में ना डिटरमिनेंट की वैल्यू देख रहा हूं, कहीं गलत ना हो जाए अपनी, कहीं अपनी वैल्यू गलत ना हो जाए। ठीक है, 3725 3725, और बी का इनवर्स निकाला है तो यहां पर इनका तो कुछ अलग आ रहा है, इनका बी का इनवर्स अलग आ रहा है, नहीं ठीक है। अब इधर ए का इनवर्स के लिए ए का डिटरमिनेंट, देखो
5 की 3 से 15, 2 की 7 से 14। मैंने ये जब सॉल्यूशन वगैरह मैं हल्का सा देखता रहता हूं, ऐसा मैं इसलिए देखता हूं क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे हैं तब बताने वाला तो कोई है नहीं और हमारा ध्यान होता है समझाने पर, तो कई बार ना जल्दबाजी में कोई एक आध डिजिट अगर गलत लिख दी, जब सामने पढ़ाता हूं तब तो बच्चे बता देते कि वो गलत हो गया सर, ये गलत हो गया, ठीक कर लो, तो पता चल जाता है। लेकिन ऐसे में बताने वाला कोई नहीं होता और जब एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है फिर दिक्कत आती है बच्चों को और फिर हम वीडियो को चेंज नहीं कर सकते, उसके अंदर कट नहीं कर सकते, बीच में कट कर सकते हैं मतलब उसको बदल नहीं सकते, लेकिन तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होता है सॉल्यूशन से मैच करते हुए, हम चेक करते रहते हैं स्टेप। खैर ये तो आ गया डिटरमिनेंट, अब मुझे बताओ ये भी जीरो नहीं आया और वो भी जीरो नहीं आया और आना भी नहीं चाहिए था वरना इनवर्स में दिक्कत आती है ना। अब हम सीधा कोफैक्टर बनाएंगे, देखो C11 C12 C21 C22, यहां पर भी कर लो C11 C12 C21 C22 इक्वल टू, ऐसा लग रहा है मैं इक्वल टू बेच रहा हूं, है ना, वो लग रहा था लेकिन बेच नहीं रहा हूं यकीन मानो, है ना। अब देखो उल्टा जेड याद है, उल्टा जेड देखो बी इनवर्स उधर से मिलेगा, ध्यान रखें हम काम कर रहे हैं बी इनवर्स के लिए, कभी जल्दबाजी में यहां से उठा लो, यहां से मत उठाना, वहां से उठाना है, और इसके लिए कहां से उठाना है, इसके लिए यहां से उठाना है ना, कोई बात नहीं हम ध्यान रखेंगे। देखो उल्टा जेड ये देखो बना दिया उल्टा जेड, 9 7 8 6 9 7 8 6। अब साइन चेंज, एक बार इसका साइन, एक बार इसका साइन, याद है ना ऐसे साइन चेंज होता है 2x2 में। अब इधर देखो उल्टा जेड 5 2 7 3 5 2 7 3 साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज। अब हाथों हाथ एडजॉइंट बना लो, तो इसका एडजॉइंट ये क्या है, हाँ ये ए है, तो ए का एडजॉइंट याद है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, 5 और -2 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे करूंगा भाई एडजॉइंट बनाना है तो ट्रांसपोज तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, सॉरी यहां पर किसका एडजॉइंट बनाना है मुझे, बी का, तो बी का ट्रांसपोज मैं कर रहा हूं, देखो 9 -7 -8 और 6 है ना। ये देखो हमने दोनों काम साथ साथ कर लिया, बहुत ही बढ़िया रहा, वरना इतना ही टाइम हमें एक को करने में लगता और इतने टाइम में हमारा दूसरा भी हो रहा है, कितनी दिमाग वाली बात करी है मैंने, है ना। और तुम इस तरह से अगर ये पेपर में आ जाता है तो तुम इस, क्योंकि पेपर की शीट तो पहली चौड़ी होती है, तो तुम उस पर आराम से इस तरह से कर सकते हो, टीचर को भी लगेगा कि हाँ बच्चे में वाकई में टैलेंट है प्रेजेंटेशन करने का, प्रेजेंटेशन करने का, ठीक है, कि एक साथ टीचर को कंपैरिजन करने का मौका मिल जाएगा, वो एक तरफ इसका सॉल्यूशन चेक करेगा तो दूसरी तरफ इसका सॉल्यूशन भी चेक कर देगा, वो टीचर कहेगा क्या कमाल की तरीके से रिप्रेजेंट उसने क्वेश्चन को करा है और हमें सॉल्यूशन करने में भी आसानी हो गई चेक करने में, ठीक है। तो टीचर के माइंड पर फर्क पड़ेगा चेकिंग करते समय, ऐसा सॉल्यूशन तुम पेश करोगे उसके आगे। तो तुम एग्जाम में जब पेपर लिखते हैं, हम कोई सा भी पेपर लिखते हैं, तो शीट में सॉल्यूशन हमको ऐसे करना चाहिए कि सामने वाले को परेशानी ना हो चेक करते समय, जितना हो सके उसके माइंड को रिलैक्स कर दो, ठीक है, और उसका असर डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स पर पड़ेगा, टीचर के माइंड में एक क्रिएट हो जाएगी बढ़िया इमेज तुम्हारी उसके माइंड में कि हाँ बच्चे में वाकई में पढ़ाई का हुनर तो है ही है, प्रेजेंटेशन का भी हुनर है। तो ये जो टिप्स होती हैं ये एग्जाम में तुम्हारे काम आती हैं। खैर फिलहाल मैं निकाल रहा हूं इनवर्स, देखो यहां पर निकाल रहा हूं बी का इनवर्स, यहां पर निकाल रहा हूं ए का इनवर्स। मेरी आदत होती है मैं ना अक्सर फॉर्मूला पहले लिखता हूं, जैसे ए का इनवर्स का फॉर्मूला लिखूंगा यहां पर बी के इनवर्स का फॉर्मूला लिखूंगा, लेकिन इस बार मैं अपनी ये आदत नहीं मान रहा क्योंकि यहां पर है ना जगह कम है, अगर मैंने फॉर्मूला लिखने में जगह वेस्ट कर दी तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे बॉर्डर अप करना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं सीधा लिख दूं, तुम्हें फॉर्मूला तो याद है ही, ठीक है। क्या होता है 1/1 में आता है डिटरमिनेंट, तो देखो इसका डिटरमिनेंट कहां है, ये रहा 1 है ना, 1/1 और यहां पर आ जाता है एडजॉइंट। उम्मीद करता हूं तुम मेरी मजबूरी को समझोगे कि मैंने फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा, है ना, वैसे भी तुम लोग बहुत समझदार बच्चे हो। और अब मुझे निकालना है बी का इनवर्स, तो बी के इनवर्स का मतलब है बी का डिटरमिनेंट, तो बी का डिटरमिनेंट ये रहा -2 और यहां पर क्या आएगा एडजॉइंट, ये लो
ये आ गया ना। अब देखो अंदर सॉल्व कर देना है, अब हमें अंदर और कर देनी है मल्टीप्लाई। तो मैं एक काम करता हूं, अब मुझे बोर्ड रब करना पड़ेगा क्योंकि आगे का सॉल्व करने के लिए बोर्ड पर स्पेस तो चाहिए ही चाहिए। तो देखो वहां पर इनवर्स सॉल्व कर देता हूं, वहां पर वैसे कुछ खास सॉल्व करना नहीं है क्योंकि देखो वन अपोन में वन वन होता है और वन की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा सेम आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक प्रॉपर लिख देता हूं 5 - 2 - 7 - 3। ये लो मैंने प्रॉपरली ना एक बार लिख दिया, अब इधर भी लिख देता हूं। इधर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, -2 से अंदर डिवाइड देने पड़ेंगे। तो देखो -2 से जब अंदर डिवाइड दोगे तो -2 से 9 को डिवाइड दोगे तो -9/2, 8 से डिवाइड दोगे तो देखो कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया और 2 से 8 कट जाएगा 4 पे। -2 से -7 को करोगे तो ये नहीं कटेगा, सिर्फ माइनस कटेगा, और -2 को 6 से करोगे तो ये कट जाएगा, 2 - 6 - 3 है ना, ये आ गया। अब मुझे बताओ हमें जो RHS निकालनी थी, RHS में हमें ये नहीं निकालना था, RHS में हमको क्या निकालना था, हमको RHS में निकालना था B की मल्टीप्लाई A के साथ, ये निकालना था। चलो कर देते हैं, तो लिखो RHS, RHS में लिखो B इनवर्स की मल्टीप्लाई A इनवर्स के साथ। तो देखो पहले B इनवर्स ध्यान से देखना, क्योंकि बच्चों को ना जब अपोन वाले आते हैं तो मल्टीप्लाई करने में गलती कर देते हैं, जब भी अपोन वाले क्वेश्चंस आते हैं तो मल्टीप्लाई करने में अक्सर क्या हो जाती है, गलती हो जाती है, और कभी कभी तो मुझसे भी गलती हो जाती है। देखो भाई मैं कोई स्टेप याद करके तो बैठा हूं नहीं और जादूगर भी नहीं हूं कि बिल्कुल सेम आंसर आएगा या सही आंसर आएगा, है ना, कभी कभी एक आध चीज गलत हो जाती है। अब इंसान है हम भी, कोई कंप्यूटर तो है नहीं, और आजकल तो कंप्यूटर सबसे गलती होती है भाई, मशीन हो चाहे इंसान हो सबसे गलती होती है, सीधी सी बात है ना। मुद्दे की बात यह कि हम उस गलती को ठीक करें। खैर अब जरा इधर करते हैं, भाषणबाजी बहुत हो गई, इधर आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। देखो मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पर यहां पर जो आएगा ना सोल्व करके वो किसके साथ मैच करना चाहिए, वो मैच करना चाहिए उसके साथ जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनवाई थी, याद है तुम्हें या भूल गए। इस क्वेश्चन के अंदर एक स्टेप पर मैंने क्या बनवाई थी, इक्वेशन नंबर 1 बनवाई थी। क्यों बनवाई थी, वो इसीलिए बनवाई थी ताकि वो बराबर आ जाए RHS के साथ, ठीक है, और वो अब आनी चाहिए। देखो 7 बनाएंगे, मल्टीप्लाई करते समय क्या बनाना होता है, 7। देखो 9/2 की 5 के साथ, याद है 9/2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो -45/2, याद है ना, ऐसे तो होएगा 9/5 = 45। अब इधर देखो 4 की 2 के साथ तो -8, समझ में आई बात। अब जरा नीचे वाले पर इसके साथ देखो 7/2 की 5 के साथ तो 35/2, और 7 - -3 की -2 के साथ तो -+, और 3 - 2 = 6। अब इधर देखो 9/2 की -7 के साथ तो -+, और 9 की 7 से 63, तो 63/2, और 4 की 3 से 12। अब इधर देखो 7/2 की 7 के साथ तो 7 - 7 = 49, -49/2, और -3 की 3 के साथ तो -9। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके RHS LHS के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। देखो सॉल्व करने क्या है, एलसीएम लेने पड़ेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहां पर भी 1 लगा लो, यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, ताकि तुम लोगों को एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। देखो 2 और 1 का, चलो मैं ना ऊपर थोड़ा खुलकर करवाता हूं, है ना, आराम से बड़ा बड़ा लिखकर मस्त तुम्हें समझ में आएगा। हालांकि इसमें कोई 12th क्लास के बच्चों के लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन मैं फिर भी इतना जोर क्यों दे रहा हूं, है ना, क्योंकि बच्चों को ना मतलब परे वो हो जाते हैं थोड़े से, ऐसी कैलकुलेशन देखकर थोड़े से परेशान से हो जाते हैं, जबकि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2। अब इधर देखो 45 की 1 से -45, और 2 की 8 से -16। अब इधर देखो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2, 63 की 1 से 63, 2 की 12 से 24। अब इधर देखो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे 2, 35 की 1 से 35, और 2 की 6 से 12, है ना, 6 - 2 = 12, और 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे फिर से 49 माइनस का, और 9 - 2 = 18 माइनस के, है ना। अब सॉल्व करना है, अब बस कुछ भी हो जाए,
भगवान करे ये एक ही बार में बराबर आ जाए। चलो कर देते हैं। अच्छा 45 और 16 कितने होते हैं भाई, 6 और 5 11, 5 और 1 6, 61 अपॉन में 2। अब इधर देखते हैं ये कितने होते हैं, 87 अपॉन में 2। अच्छा ये माइनस का आएगा, और ये कितने होते हैं, ये आता है 47 बाय 2, और ये कितना होता है भाई 9 और 8 17 का 7, हाँ से ले 5 और 1 6, 67 बाय 2। देखना जरा ये आया है क्या बराबर, इक्वेशन नंबर 1 से मैच कर लो, यही आना चाहिए हमारा परफेक्टली, बिल्कुल किस्मत चमक गई भाई आज तो हमारी, यही था हमारा। ठीक है इसको कह देना इक्वेशन नंबर बोलो 2, है ना, यही हमको प्रूफ करना था। अब लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब कि जो पहली इक्वेशन मतलब एलएचएस, सेकंड इक्वेशन मतलब आरएचएस, तो लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लिखो देयर फोर ए बी का इनवर्स बराबर आ चुका है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो मैंने पहले ही कहा था ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन में से एक है, बल्कि मैं कहूंगा यही लेंथी क्वेश्चन है, बाकी इतने लेंथी कोई सा भी नहीं था। ठीक है शुक्र करो कि इन्होंने हमको 2x2 की मैट्रिक्स सॉल्व करने को दी है, अगर ये 3x3 की देते तो कोई बात नहीं हम वो भी कर लेते, हम क्या डरते हैं, मैंने पहले बताया था हम भूत और भगवान के अलावा किसी से नहीं डरते। ठीक है खैर ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा आसानी से सॉल्व हो गया, बस थोड़ा सा हमको क्या लगा टाइम लगा, बाकी और कोई बात नहीं है। ठीक है तो अब हम तैयार हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। तो देखो बोर्ड भी काफी गंदा हो जाता है, क्या करें बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आजकल दुनिया में, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, अगर तुम पिछले 10 साल के बोर्ड के पेपर प्रैक्टिस करने बैठोगे, 12th क्लास के बोर्ड के पेपर पिछले 10 साल के प्रैक्टिस करने बैठोगे, तो 10 साल के पेपर में से कम 8 बार तुमको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो किसके अंदर है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, और ये इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे इक्वेशन वाले क्वेश्चंस। मैंने इनको क्या नाम दे रखा है, मैंने इनको नाम दे रखा है इक्वेशन वाले क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस की खासियत है ये 4 नंबर में भी आ जाते हैं, ये 6 में भी आ जाते हैं, 4 नंबर में भी आ जाते हैं, 6 में भी आ जाते हैं, सीधी सी बात है जब 6 में आएंगे तो थोड़ा सा लेवल हाई होता है इन क्वेश्चन का, और जब 4 में आते हैं तो थोड़ा सा लेवल लो होता है, तरीका सेम रहता है, तरीका सेम रहता है। ठीक है तो तुम इन क्वेश्चंस की वैल्यू तो समझ गए हो। ठीक है अब एक काम करते हैं फटाफट से इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन तुम लोगों को एनसीईआरटी में दे रखी है, देखो हमको क्या दे रखा है, हमको एक मैट्रिक्स दे रखी है 3 1 1 2, बहुत ही प्यारी मैट्रिक्स है भाई, शुरुआत अच्छी होगी, क्यों, क्योंकि 2x2 की मैट्रिक्स है, और दूसरी चीज इक्वेशन भी बहुत छोटी है ना, हाँ शो करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0, ये तो हमको शो करना है, और एक चीज फाइंड आउट करनी है, दो काम करने हैं, एक तो हमको शो करना है, एक तो हमको फाइंड आउट करना है। अगर तुमने ध्यान से पढ़ाई करी है तो तुम लोगों को याद होगा इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का काम हमने पहले से चैप्टर 3 के अंदर कर लिया है, इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का काम हमने पहले से किसके अंदर कर लिया है, चैप्टर 3 के अंदर कर लिया है, तो चैप्टर 4 के अंदर क्यों दिया गया। और ध्यान से सुनो यहां पर हमसे क्या पूछा है, ए इनवर्स पूछा है, अभी तक हमने क्या सॉल्व करा था, अभी तक हमने ए इनवर्स ही तो सॉल्व करा था, लेकिन यहां पर बात बदल गई है थोड़ी सी। देखो अभी तक जो तुम इनवर्स निकालते थे ना, तुम क्या करते थे, इनवर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे, इनवर्स को सॉल्व करने के लिए तुम क्या इस्तेमाल करते थे, इनवर्स का फॉर्मूला, ये था ना जो अभी मैंने कराया है, ये था वो फॉर्मूला। जब भी क्वेश्चन तुमको इक्वेशन देगा ना, जब भी क्वेश्चन तुमको इक्वेशन देगा, चाहे वो क्वेश्चन 4 नंबर का हो, चाहे वो क्वेश्चन 6 नंबर का हो,
जब भी क्वेश्चन तुमको इक्वेशन देगा तो इनवर्स के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है। अब तुम्हारे माइंड में आएगा क्यों? पहली बात, जब भी क्वेश्चन इक्वेशन देगा तुम्हें इनवर्स पता है कैसे निकालना है? तुम्हें इनवर्स निकालना है इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके, ठीक है? इसलिए उसने इक्वेशन साथ में दी है और इसलिए चैप्टर 3 के बाद ये क्वेश्चन फिर से चैप्टर 4 में आ गया है, क्योंकि वहां पर हमने क्या नहीं पढ़ा था, वहां पर हमने केवल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था, वहां पर हमने ये नहीं सीखा था कि इक्वेशन की मदद से इनवर्स कैसे निकलता है, वो हम यहां पर सीखेंगे। तो समझ में आ रही है ना इस क्वेश्चन की वैल्यू? ये क्वेश्चन इसलिए पेपर में ज्यादातर आता है क्योंकि टीचर है ना इसमें दो चीजें चेक कर लेता है, एक तो चैप्टर 3 चेक कर लेता है, ये चैप्टर 3 में पढ़ा था, और एक चैप्टर 4 चेक कर लेता है, ये हम चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं। तो एक ही क्वेश्चन से उसके दो चैप्टर क्लियर हो जाते हैं, तो इसलिए अक्सर ये क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है? तो अब हम इनवर्स का सॉल्यूशन करेंगे जरूर, लेकिन फॉर्मूले से नहीं। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि अगर हम फॉर्मूले से करी आए तो क्या होगा? तो होगा कुछ नहीं, वो देखेंगे और क्रॉस कर देंगे, कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाले, टाइम भी बर्बाद हो जाएगा और मार्क्स तो खैर कुछ आने से रहा, ठीक है? जब भी इक्वेशन देंगे तो इन्वर्स को तुम्हें उससे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन ये है कि इक्वेशन से इन्वर्स कैसे निकालेंगे, है ना? इक्वेशन से हम इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मुद्दे की बात ये है, ठीक है? तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे उसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी तो पहले दो काम करने थे ना, पहले तो शो करना है। अब क्योंकि शो करने वाला काम मैंने तुम्हें चैप्टर 3 में भी बताया था, कोई बात नहीं, एक बार फ्लो बनाने के लिए हम इस चैप्टर के अंदर भी कर लेते हैं। तो पहले मैं तुम्हें शो करके दिखा देता हूं, ठीक है? कुछ बच्चे खुद से कर लेंगे, मुझे मालूम है एक से एक बढ़कर होशियार बच्चे हैं दुनिया में, तो कुछ बच्चे खुद से कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, एज अ टीचर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इसको सॉल्व करवाऊं। तो पहले मैं इसको शो करवा देता हूं, शो क्या करना है, जीरो आ जाएगा और वो तो आना ही आना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैंने यहां पर माइनस ही नहीं देखा, हो गया अब 3 1 -1 और 2 था, और मैंने क्या ले रखा था, 3 1। खैर तुम्हें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा ना कि किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है? तो करते हैं फिर, है ना? खैर ए का स्क्वायर फिर से, कोई बात नहीं, क्या करें, हम तो मेहनत कर सकते हैं बस। मैं वही कह रहा, जब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं ना तो मेरा पूरा फोकस होता है कि कहीं गलती ना हो जाए, और देखो गलती हुई नहीं थी, अब वो देखने में ही गलती कर दी, मतलब सॉल्यूशन वाइज कोई गलती नहीं थी, वो देखने में ही गलती कर दी, क्या करें, है ना? चलो खैर अब इधर आ जाते हैं वापस। देखो 7 बनाना है, 3 की 3 से 9, 1 की -1 से -1, -1 की 3 से -3, और 2 की -1 से -2, 3 1 3 और 1 की 2 से 2, और -1 की 1 से 1 और 2 की 2 से 4। अब इधर -5 की अंदर कर रहा हूं, 5 -5 और 5 2 10। अब इधर 7 की अंदर, खैर आइडेंटिटी डालनी थी मैंने जल्दबाजी में, गलत कर दिया था, तो 7 0 0 7। अब इधर सॉल्व कर देते हैं, देखो भाई 9 में से एक गया 8, 3 और 2 5, 3 और 2 -5, 4 में से 1 गया 3। अब इधर तो देखो इसको भी मैं ऐसे ही उतारूंगा जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं हमेशा पॉजिटिव वाली मैट्रिक्स पहले लेता हूं। देखो पॉजिटिव वाली, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पहले मैं दोनों को सॉल्व कर लेता हूं। अब इधर देखो 8 और 7 15, 5 और 0 5, -5 और 0 -5, 3 और 7 10। समझ में आ रही है ना बात? अब इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि मुझे भाई जगह चाहिए, ये लो जी। देखो ये ऐसे उतर गया, 15 5 -5 10। देखो अब जरा, 15 5 15 5, -5 10, -5 10, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल क्या चल रही है, सेम चल रही है, ठीक है? ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है,
और बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, इसका मतलब ये हुआ ये वाली मैट्रिक्स इस वाली मैट्रिक्स से कट जाएगी, लेकिन ऐसे काटना नहीं है जैसे मैंने काटा है। तुम्हें कैसे काटना है, ऐसे काटना है, 15 से 15 कट जाएगा जीरो, 5 से 5 कट जाएगा जीरो, ऐसे काटना है। तो चारों एलिमेंट है ना जीरो लिख देना, और अगले स्टेप में क्या लिख देना है जीरो इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो शो तो हमने कर दिया, हमको क्या शो करना था, हमको यही शो करना था कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी, और हमने इसकी वैल्यू को जीरो शो कर दिया, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू को जीरो शो कर दिया। अच्छा ये जो काम हमने करा है ये चैप्टर 3 का वर्क था, ये कहां का वर्क था, ये वर्क था चैप्टर 3 का, ठीक है। तो देखो एक काम करते हैं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं ना इसका जो इनवर्स निकालने वाला काम है, मैंने बताया था ना इक्वेशन से क्या बनाते हैं, इनवर्स बनाते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन से इनवर्स निकालने वाला काम मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में सिखा देता हूं, तुम्हें अगली वीडियो का वेट करना है, और बाद में उस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो उस वीडियो का लिंक, ठीक है, वहां पर तुम्हें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा इनवर्स का, ठीक है। वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा इसलिए जो है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर ही रोक देते हैं। एक तरीके से हमने हाफ सॉल्यूशन कर लिया, इसका हाफ सॉल्यूशन हम नेक्स्ट में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर है ना स्टार्टिंग में ही तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा, मैं तुम्हें टाइटल में लिखूंगा नहीं कि वो क्वेश्चन है वहां पर, ठीक है, लेकिन तुम उस पर क्लिक करना, मतलब कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर है ना क्वेश्चन नंबर 14 से होगा, उस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 से होगा, लेकिन 14 से पहले मैं इसका हाफ सॉल्यूशन करा दूंगा, है ना, 14 से पहले मैं इसका हाफ सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। तो तुम उस वीडियो को चेक कर सकते हो जिसका टाइटल क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट है।